इसके इंजन ऑयल जो है बिल्कुल नया था, ज़्यादा पुराना मैं रखता नहीं हूँ, इस वजह से चलने लायक है नहीं चलने लायक है क्या सीन है, मतलब नीचे का जो सेंसर हमारा एकदम ओके काम कर रहा हुआ है। तो दोस्तों हमारा क्लच असेंबली और सर्विस का तो काम एक तरह से हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। अगर बात करें फ्रंट सेक्शन की तो फ्रंट सेक्शन से ना हमारे भाई ने दोनों शॉकर जो खोल लिए हैं, टायर खोल लिया है और कैलिपर की सर्विस होने वाली है ओवरऑल, और शॉकर जो है ना उसके अंदर पंप के अंदर कुछ होल वोल करने वाले हैं, मतलब कुछ इनका पैतरा है अपना, ठीक है जी, वो करेंगे। उससे क्या है कि शॉकर जो है बढ़िया तरीके से स्मूथ जो है अप एंड डाउन जाएंगे, मतलब अंदर बाहर दोनों होंगे, और बाकी जो अभी हार्डनेस मुझे महसूस होती है वो कम हो जाएगी, मतलब वो कम हो जाएगी, बेसिकली कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, एकदम स्मूथ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो बस ये काम कराते हैं फिर निकलते हैं बाइक लेकर, ठीक है, स्ट्रेट यून है तेरी की, एक बार और है तेरी की। एक बार और समझाता हूँ तो दोस्तों, जब मैंने इसको बढ़वाया था ना इसकी हाइट, तो इसकी हाइट ना करीब यहाँ तक थी, ठीक है, यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रही है हल्की सी, यहाँ तक थी। अब यहाँ से 2.25 इंच मैंने एक्सटेंड करा लिया, ठीक है, तो ये वेल्ड कराया था, ठीक है, तो इस वजह से इसकी हाइट बढ़ी है। ये होता है पंप, ठीक है, अगर आपको हाइट बढ़वानी है तो इस पंप में ओरिजिनल ऐसा पंप लाकर, चाहे पुराना है चाहे नया, वो वेल्ड कराना होगा, तब जाके इसकी हाइट बढ़ेगी, और इसकी हाइट बढ़ गई समझ लो बाइक की हाइट बढ़ गई, ठीक है, ओके। दोस्तों अपना जो कैलिपर है इसको भी ओवरऑल जो है एक तरह सर्विस कराया जा रहा है, एकदम बढ़िया जो खुलवा के ये दोनों पिस्टन जो है खुलवा के सफाई करवा दिए, अब इसको बिठाकर एकदम सेट कर देंगे, ठीक है जी। और फ्रंट शॉकर के जो पंप हैं वो गए हुए हैं वहाँ पे फैब्रिकेटर के पास, वहाँ पे थोड़ी सी इसमें ऑल्ट्रेशन करनी है, उसके बाद जो है हमारे शॉकर जो है प्रॉपर स्मूथ काम करेंगे, और फिर ये फिट हो जाएगा सेटअप, बाइक ओके हो जाएगी, ठीक है, इंजन वाइज ओके है, बस खाली फ्रंट शॉकर मतलब फ्रंट सेक्शन जो है वो अभी समझ लो काम चल रहा है उसमें, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देख लो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जुगाड़ वाले जो काम होते हैं ना, मतलब जो हम कर लेते हैं ऑल्ट्रेशन बाइक में, कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन, तो ये कहीं हद तक ना एक तरह से सर दर्द बन जाता है, और प्लस बोलूँ कि थोड़ा सा रिस्की भी रहता है, ठीक है ना। अब मैंने भाई पंप को बेल्ट करा के बड़ा करा लिया, फिर उसके चक्कर में कुछ चीज़ें छोटी बड़ी हो गई, फिर बाद में वो बैंड हो गई, अब वो सीधी कराई है, सीधी कराने के बाद कुछ चीज़ें और छोटी बड़ी, तो समझ रहे हो ना, झोल झाल बहुत है। मतलब मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो देखते हो, वीडियो देखो मज़े उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे जो काम हम करते हैं ना ये काम मत करो तो ज़्यादा बेटर है, मतलब सुखी रहोगे, क्योंकि देखो हमारा तो खैर काम ही यही है कि अपनी बाइक में कस्टमाइजेशन कराना, आप लोगों को दिखाना बताना और उस चीज़ पे R&D करते रहना, ठीक है। बट आप जो है ना नई बाइक खरीदते हो या पुरानी खरीदते हो, जैसी आई है ना, अगर स्टॉक बाइक, यही वाली बात कर रहा हूँ, मेरी खुशी जो है स्टॉक रखता मैं, ना डिस्क ब्रेक का फंडा होता और ना ही हाइट ऊँची करने का फंडा होता, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं दिख रहा होता, आराम से मस्त चल रही होती गाड़ी, समझ रहे हो ना। मज़ा तो है इसमें लेकिन सज़ा भी है, सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। सुबह 12 बजे से कितने अभी टाइम कितना हो रहा है, एक मिनट, तो अभी दोस्तों ये देखो 5:54, ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं, मतलब 12 बजे से 6 बज गए यहाँ पर, ठीक है, और अभी भी काम चल रहा है। तो बैटरी कभी भी लो हो सकती है, वीडियो कब तक कवर हो कब तक ना कवर हो मुझे नहीं पता, बट आपसे फिर दोबारा बोलूँगा, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नो सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई लद्दाख की सीरीज़ बड़ी ख़तरनाक होने वाली है, मतलब कि बहुत, मतलब एक्साइटेड हो जाने के लिए बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लद्दाख राइड से और अपनी खुशी से, और आप लोगों से, तो खासकर भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वीडियो भर भर के देखनी है, शेयर करनी है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया ना भाई, लद्दाख से आते ही भेज दूंगा, बता रहा हूँ मैं, जितने ये स्प्लेंडर लवर है ना सबको बता रहा हूँ, धमकी है धमकी।
भाई उस्ताजी तो कहें ट्राई लेने, अब ट्राई लेकर आके बताएंगे क्या चल रही है, कैसी चल रही है। वो फिलहाल तो हो गई है, बट अभी भी ना मैं थोड़ा सा ना अनसेटिस्फाइड हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है वो। तो भाई फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको काम दिखाया है अपनी खुशी में, वो सारा काम आप लोग देख कर सेटिस्फाइड हो गए होगे और समझ गए होगे कैसे कैसे क्या काम होता है, और मॉडिफिकेशन या फिर कोई कस्टमाइजेशन कराते हैं तो कितनी चीज़ें जो है दिक्कतें फेस करनी पड़ जाती हैं कभी कभी। तो मैं तो ये बोलूँगा बाइक अगर स्टॉक है तो स्टॉक ही रखना, मतलब ज़्यादा उंगल पेच होता है तिकड़मबाजी वो मत करना। और बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। लद्दाख की पूरी तैयारी चल रही है फुल ताबड़तोड़। और रही बात रूटीन चेकअप के लिए, एक बार मुझे दोबारा जाना होगा वहाँ पे ताकि वो पूरे नट बोल्ट चेक कर लेंगे, और ग्रीस करने वाली चीज़ें ग्रीस कर दी जाएगी, चेन को ल्यूब कर दिया जाएगा टाइट करके प्रॉपर तरीके से, और बाकी वो होता है क्रॉस चेक करना पूरी कि हाँ बाइक में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो लास्ट जो है लास्ट फुल एंड फाइनल चेकअप होगा और उसके बाद निकल जाएंगे हम लद्दाख के लिए। बाकी इसी नोट पर वीडियो को एंड करता हूँ, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बाकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का लिंक मुझे फॉलो कर लेना, और डिटेल दिए अगर चाहो तो हेल्प कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्यार, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर मेरे लिए वही बहुत रहता है, तो इतना ही कर दोगे तो वो भी काफ़ी है। अगर इससे बढ़ चढ़ के थोड़ा करना है तो डिस्क्रिप्शन में है डिटेल्स, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और कुछ अपनी सपोर्ट मुझे कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।